सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण कई बीघे जमीन में सिंचाई विभाग की सरकारी संपत्ति पर बसा दी गई आबादी, हो गए बड़ी तादाद में अवैध निर्माण, बन गए खूबसूरत आशियाने। थाना पारा के अंतर्गत काकोरी मोड़ मोहान रोड नहरिया के बगल में बड़ी तादाद में कई सालों से कर रखा है सरकारी संपत्ति में लोगों ने अतिक्रमण, बना लिया है दो दो माले की बिल्डिंग, कर दिए हैं बड़ी तादाद में अवैध निर्माण। सिंचाई विभाग के अधिकारी गढ़ों की मिली भगत में हो गया सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से निर्माण। कई सालों से बसी हुई आबादी को आज तोड़ने एवं हटाने पहुंचे अधिकारी कुंदन सिंह आसीवन तथा सिंचाई विभाग एवं भारी पुलिस बल के साथ एसीपी काकोरी आशुतोष कुमार, थाना पारा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक दीपक कुमार, पुलिस प्रशासन के सहयोग में बड़ी तादाद में अधिकारी गढ़, भारी भरकम पीएससी बटालियन थाना पारा पुलिस बल सहित कई सालों से बसी हुई आबादी पर चलाई गई जेसीबी, तोड़े गए आशियाने। सोचनीय बात है कि कई सालों से अतिक्रमण हो रहा था, आशियाने बन रहे थे, अवैध रूप से निर्माण हो रहा था, दो दो माले की बिल्डिंग बन रही थी। तब सिंचाई विभाग के अधिकारी गढ़ कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। आज सिंचाई विभाग प्रशासन जागा है। जब बड़ी तादाद में बस गई आबादी, हो गए बड़े बड़े निर्माण, सिंचाई विभाग की इस बड़ी लापरवाही को आप क्या कहेंगे? लखनऊ राजधानी, यहाँ पर हर विभाग का सक्षम अधिकारी हर वक्त चारों तरफ रहते हैं, मगर अधिकारी कुंदन सिंह आसीवन तथा सिंचाई विभाग के अधिकारीगण शासन प्रशासन एवं सरकार की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में दबंग बाहुबली ठेकेदार जिम्मेदार अधिकारी गणों की मिली भगत में बड़े बड़े सरकारी संपत्तियों पर निर्माण कर लेते हैं। जब निर्माण हो जाता है उसके बाद संबंधित विभाग की आंख खुलती है। यही हाल सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी गणों का है। जब लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे उस समय सिंचाई विभाग ने क्यों नहीं रोका? आज जब बड़ी तादाद में झोपड़पट्टी वालों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी, खूबसूरत आशियाने बना दिए, बड़ी तादाद में कई सालों से सैकड़ों निर्माण हो गए, सैकड़ों झोपड़पट्टी बनी है और लोग निवास कर रहे हैं, आज अचानक सिंचाई विभाग के अधिकारी गढ़ उन गरीबों की आशियाने को तोड़ने पहुंच गए। पहले तो सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी गणों को संज्ञान में लेना चाहिए कि आबादी कैसे बसी और कैसे निर्माण हो गए। जिन अधिकारी गणों की मिली भगत में सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा हुआ, बैरून अधिकारी करों पर जांच बैठाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद उन गरीबों की आशियाने तोड़ने से पहले उनके रहने की कहीं दूसरी व्यवस्था का इंतजाम कराएं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग अधिकारी गणों की है। उनकी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी आबादी बस जाती है और अधिकारी गणों को भनक तक नहीं लगती। सिंचाई विभाग के अधिकारी गणों ने अपने कार्य को सही से अंजाम नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज उन मासूम परिवारों को भुगतना पड़ रहा है जो कई सालों से वहां पर रह रहे हैं। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से कैमरामैन ब्रजेश कुमार के साथ संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट। कागज हैं जी, और जितनी नोटिस यहाँ से लगी है कोर्ट कचहरी लगे वो भी सभा में पास। ये सिंचाई विभाग जो अधिकारी हैं मनमानी कर रहे हैं अपनी। जी जी, अपनी मनमानी कर रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। और कोई बोलना चाहेगा? कोई लाइव चल कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलिए क्या समस्या है? अच्छा, कई साल 20 साल हो गए आपको रहते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल जब आपने पक्का बनवाया था तब आपको कोई रोका नहीं किसी ने? कुछ सिंचाई विभाग का अधिकारी रोकने के लिए आया था? नहीं, कोई नहीं आया, कुछ नहीं। किसने रोका ना? आज अचानक से अचानक तो पुलिस तो आप अभी क्या चाह रही हैं? भैया जवान मेरा है तो बड़े मेहनत से बनवाए हैं ना, मुसीबत। ये नुकसान की भरपाई बोलो, नुकसान की भरपाई चाहिए
चाहिए भैया। अच्छा, नुकसान की भरपाई चाहिए, आप लोग यही रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। अगर 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 आपके पास कोई जमीन जरिया कहीं पर है, अगर आपको हटाएगा तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब मेरी बात कहने का मतलब है, इसके बाद अगर ना कुछ कराएंगे तो क्या करेंगे? किसने बनवाया था? जी मैं रुक जाइएगा, पोस्ट करो, फिर से लाइव ले रहा हूँ। अब आप बोलिएगा, एक मिनट रुक जाइए, कुछ ज्यादा सर तोड़ा जा रहा है किस माध्यम से? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह, अच्छा सिंचाई भाग। ये किस कारण तोड़े जा रहे हैं मकान आवास? एक्चुअली सिंचाई विभाग की जमीन है यहाँ पर, और बेटा इनको कई बार नोटिस भी दिया गया विभाग से। मार्च में जो है कार्रवाई, जब मैं मार्च में, मेरी फरवरी में पोस्टिंग हुई थी, मार्च में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत प्रयास किया। उस समय चुनाव के समय पे पुलिस फोर्स भी नहीं उपलब्ध हो पाई थी, उसके बाद में कोरोना आ गया। और तोड़ने से पहले भी ये कोई नोटिस तोड़ने से पहले कई बार ये ऑप्शन। सर ये बताइए, जब ये दो दो मंडल की बिल्डिंग बन रही थी, तब सिंचाई विभाग कहाँ सो रहा था? अब ये तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी आबादी बन गई, दो दो मंजिल की बिल्डिंग बन गई, आलीशान मकान बन गए, सिंचाई विभाग कहाँ सो रहा था? अब इसके बारे में तो मैं नहीं, आप बताएंगे सर, अधिकारी बनता है नुकसान हो रहा है, गरीब बेचारे लोग हैं जो कहां। देखिए समय समय पर जब भी कोई अतिक्रमण करता है विभाग द्वारा उचित कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, लेकिन उसके लिए ये नुकसान का जिम्मेदार कौन है? नुकसान नहीं है इसमें, ये तो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग का नुकसान है, ये गरीब जनता है, गरीब जनता का। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, आप जो बताइए, ये गरीबों का आशियाना तोड़ रहे, ठीक है, अवैध रूप से कब्जा था माना मैंने, मगर सर के बिल्डिंग जब बन रही थी तब सिंचाई विभाग के अधिकारी कहाँ थे? उस समय भी इनको रुकवाना चाहिए, ये दो मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, आप देख सकते हैं दो मंजिल की बिल्डिंग बनकर मना किया गया। कहाँ थे सिंचाई विभाग? भारत में सभी नागरिकों अपनी अपनी जमीन परचेज करके बनाते हैं, कोई ऐसे अतिक्रमण नहीं करता सरकारी जमीनों का, और करता है तो वो और समय समय पर। तोड़ने से पहले आपने कोई नोटिस दी थी? बिल्कुल, सबको नोटिस दे रखी है। अतिक्रमण चलेगा अभियान? अभी हमारा 5 दिन का है, लेकिन अगर पहले ही समाप्त हो जाता तो पहले ही समाप्त हो जाएगा, नहीं तो बढ़ाएंगे फिर आगे, पूरा खाली करेंगे इसको। अरे पीछे हट जाओ। अब जनता के लिए सर हम लोग काम।